पहाड़ों में मैगी का मजा ही कुछ और होता है। मतलब इस व्यू के लिए तो हम तरसते हैं। तो भाई मैं यहाँ से निकल रही हूँ और मैंने देखा, टेस्ट करते हैं, बस धूप चली जाए। ओए लखनी। हेलो गाइस, वेलकम टू लखनी व्लॉग्स। हम लोग चले बाहर थोड़ी सैर करने, क्योंकि आज है हमारा यहाँ पर लास्ट डे। हम सोच रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि कुछ खरीदा जाए। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लखनी व्लॉग्स। वेलकम बैक, नीतू ने कर दिया होगा। बैठ गई हूँ गाड़ी में, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए। सैंडी को कुछ सामान भी लेना है और मुझे भी। हम लोग अलग अलग फिर दिशाओं में चले जाएंगे, नदी के पास। हाँ, पता नहीं फिर अभी हमें टाइम मिले ना मिले, तो हमने सोचा चलो आज ही चलते हैं, थोड़ा लिखते हैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। क्योंकि हो क्या रहा था ना, मौसम आज का आपने देख ही लिया था कैसा था। हाँ। तो इस वजह से हमने सोचा नदी आ ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये बारिश एकदम से इतनी तेज हुई और फिर एकदम से ओले गिरे। हाँ, ये रास्ता है भाई, यहाँ पुदीना उग रखा है आगे की साइड। हम लोग आ गए हैं और मुझे लग रहा है डर यहाँ से नीचे जाने में, लेकिन भैया को डर लग गया, नहीं गिरी मैं। और यहाँ पर देखो कितनी सारी फिश है। अभी रुक जाओ, दो मिनट। ओह गॉड, बड़ा ही डिफिकल्ट है यहाँ से चलना। ओहो, यहाँ पर कितनी सारी मछलियाँ हैं भाई, वाह कितना सुंदर लग रहा है। मछलियाँ इसलिए आई है ना क्योंकि बारिश हुई है ना। हाँ, तो ऊपर को दिखने लग जाती है। अच्छा, अब कहाँ चली गई, अब तो दिख नहीं रही है। हो गई हम गई, ये पत्थरों में चली जाती है ना, हमें देख के भग गई हैं। आराम से गिरेगी। लिपो नहीं तो अभी पैर फिसलेगा तेरा, रेता लग गया, चप्पल उतार दे या तो। क्या कर रही है बहनी? ऐसे बहन, तेरे को उत्तराखंड का नेचर अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों का नेचर अच्छा लगता है? मतलब यार देख, जैसे हम उत्तराखंड में आते हैं। हाँ। वादियाँ तो यहाँ की है ही सुंदर, ठीक है ना। हाँ। लेकिन यहाँ के लोगों को जो नेचर हो, जैसे हम किन्हीं के भी घर जाते हैं, ठीक है ना। हाँ। सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीन होगी, सबके पास इतनी होगी यहाँ पे। जैसे हाँ। यूपी साइड उन साइड ना ज़्यादा होती है। हाँ। यहाँ पर होती है लोगों पर कम, लेकिन जितनी भी होती है, जैसे कल हमें उन्होंने कहा हमारे यहाँ से चावल का आटा लेके जाना, कोई मड्डू का आटा, कोई अपनी दाल गोहत की भट वगैरह, तो दिल बड़ा होता है। तो मतलब तू बोलना चाहता है यूपी वालों को दिल बढ़ानी है? इतने छोटे मारूंगा नहीं है, हर जगह हर कुछ है, हर किसी के पास दिल है। गाइस, मैं सैंडी को आधे घंटे से देख रही हूँ, इसने बाहर कैमरा निकाला हुआ अभी तक, और पता नहीं वो क्या शॉट लेना चाह रहा है। आप देख रहे हो कितनी बड़ी चील है जो कि उधर जाके छुप गई है। अब फिर हम यहाँ पर दोबारा आ गए, चील फिश को ढूंढ रही होगी। एंड यहाँ पर देखो, लेक के सामने है मंदिर। पहले बोलते थे जब भी चील दिखे तो फेस कभी भी ऊपर नहीं करना चाहिए, वो आँखें नोच के ले जाती हैं। अब पता नहीं, ये आपने भी सुना है, मैंने तो बचपन से सुनती थी, दादी बोलती थी हमेशा। लेकिन यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है, मन कर रहा थोड़ी देर और बैठने का। मैं अग्नेरी मंदिर के ठीक सामने, और मेरा गांव उस तरफ पीछे छूट गया है, और यहाँ पर एक ब्रिज है बहुत ही प्यारा सुंदर सा। बहुत ही सुंदर व्यू है यार, मतलब इस व्यू के लिए तो हम तरसते हैं कि यहाँ पर आए, बैठे और शांति मिले, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, गाड़ी की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। कहाँ मछलियाँ? इसको इतने कॉल्स आ रहे हैं कि पूछा मत। नीतूर में आया अग्नेरी मंदिर में, चकोटिया में है यह मंदिर। ये जो है कत्यूर वंश है ना, जो उनकी कुल देवी का एक छोटा सा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पे पेड़ भी देखोगे ना, अभी बहुत पुराने पुराने पेड़ है, देखो
मंदिर काफी अच्छा कर दिया इसे। इसके बगल में जस्ट नदी है, तो नहीं तो यहीं पे बैठी होगी आराम से शांति में। भी दिखाता हूँ आपको, ये बैठी नहीं तो। ये हमारे उनके मेकअप वाले भैया, वो मछली देख रही है, इसको थोड़ी शांति में बैठी हुई है। ये है मंदिर, बहुत ज़्यादा शांति यार यहाँ पे। देखो आप ये नदी देखो यहाँ पे। तो मैं आया था पापा के लिए कुछ दवाई लेने के लिए अपनी, तो वो ले लिया मैंने। नीतू अलग है उस गाड़ी में, उसी के पास जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने पापा की दवाई ले ली है केमिस्ट की शॉप से, क्योंकि हम सब लोग यही पूछ रहे थे कि हम लोग आए क्यों हैं। तो एक्चुअली यही रीज़न था कि पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, पापा को आंगनबाई हो गया था। आंगनबाई होता है, बोलते हैं कि मकड़ी काट देती है, कुछ हो जाता है तो गोला बनाने लगती है, अगर वो राउंड बन जाता है तो उससे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो पापा के राउंड बनने ही वाला था, थोड़ा सा रह गया था, ठीक है ना। तो हमने हॉस्पिटल वगैरह दिखा दिए थे, सब कुछ कर दिया था जब मैं बीच में पहले आया था। तो अब क्या है ना, वो उसका पेन जो है हमेशा रहता है, तो वो जलन मार रहा था, तो इस वजह से हमें आना पड़ा यहाँ पे। तो मैंने अभी दवाई ले ली है यहाँ से, तो अब जा रहा हूँ मैं नीतू के पास। तो नीतू आगे कुछ सामान वगैरह ले रही है, कि अलग अलग गाड़ी थी और यहाँ पे चकोटिया में इतना वो नहीं होता, कहते हैं जगह नहीं बनती, तो इसलिए हम अलग अलग गाड़ी में थे। तो वो उस साइड से कुछ सामान ले रही थी घर का, और मैं इस साइड आया था घर का सामान लेने। हम लोग सैंडी को छोड़ के कहाँ आगे आ गए हमें खुद नहीं पता। ये अल्मोड़ा की साइड हम लोग जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है हम कहीं खो ना जाएं। काफ़ी दूर चल कर हम लोग यहाँ पर इस लोकेशन पर आए। मैंने वो लोकेशन वहाँ से देखी, बट मुझे लगा गाड़ी आ पाएगी या नहीं। हमारी गाड़ी आ गई। राजा भैया, ये लोकेशन बेस्ट है या नहीं है? कितनी सुंदर है, ओ गॉड वाओ। मतलब मैं यहाँ पर बैठ के खाना बना भी सकती हूँ और खा भी सकती हूँ, इतनी सुंदर जगह है कि पूछो मत। और आसपास मुझे कुछ दिख नहीं रहा यार, है ना भैया? कोई भी नहीं है आसपास। और सैंडी, मैंने सैंडी को लोकेशन भेजी, क्योंकि सैंडी शॉपिंग करने गया था चकोटिया, तो मैंने उसको लोकेशन भेजी, मैंने कहा आ जाए इधर। तो कहता है तू 12 किलोमीटर कहाँ पहुँच गया, मतलब मैं पहुँच नहीं सकती हूँ, मतलब मैं कहीं जा ही नहीं सकती हूँ। यार ये नीतू का सिस्टम अलग है, पहले मेरे को बोल रही थी कि घर पहुँच गई हूँ, ठीक है। अब मैं घर आ गया हूँ तो पता लग रहा है कि घर से वो 12 किलोमीटर दूर है जो उसने लोकेशन भेजी है, और उसको जगह भी नहीं पता वो कौन सी जगह पर है। अब मेरे को उसको लेने जाना पड़ रहा है कि है कहाँ पे वो। तो दोबारा मैंने गाड़ी निकलवाई है यहाँ पे, ये गाड़ी आ गई। तो भैया के साथ निकल रहे हैं उसको ढूंढने के लिए कि कहाँ पर है वो। कुरकुरे पर ही जिंदा रहना पड़ेगा मुझे अभी, बट सच में बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। और सैनिटाइजर भी है मेरे पास, सब कुछ है। हम लोग, मैंने टशन दिखाया कि आज कुछ अच्छी व्लॉगिंग होनी चाहिए, तो ऊपर चलते हैं पहाड़ों में। और इतना ऊपर चले गए कि वहाँ से नीचे उतरने का रास्ता ही नहीं पता था, लेकिन समय पता चला और हम नीचे उतरे। उसके बाद अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अकेले गई बिना सैंडी की चिक चिक सुने, वरना बोलता है बहन यहाँ से शॉट दे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप अकेले हो और कोई ना हो। मैं गया था नीतू को ढूंढने, तो लेकिन वो आई नहीं, वो है 22-23 किलोमीटर दूर, पता नहीं किस साइड निकल गई है। तो उसने बोला मैं आ जाऊँगी घर अपने आप, तो हमने कहा ठीक है फिर हम घर आ जाते हैं। तो घर आए तो खाना ही ख़त्म हो चुका था, हमने कहा दोबारा बनाए, हमने कहा रहने दो अब। तो हमने क्या करा, सीधा हम आ गए नदी की साइड, हम बनाने जा रहे हैं अपनी मैगी नदी में, पर नदी के पास हाँ नदी में कहीं सोच चुके। लकड़ी वगैरह हम सब कुछ लेकर आए हैं, तो अब सीधा बनेगी मैगी, मिर्च वगैरह सब कुछ है। और ये कहाँ जा रहा है लकड़ हम अपने घर से ही लेकर आ गया था मैं। मैंने कहा नदी के पास लकड़ कहाँ मिलेगी, हाँ यहाँ से पार कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर गहरा है याद रखना, ठीक है। ये यहाँ से निकलो सबसे बढ़िया, यहाँ से गहरे की आदत है। ये देखो मछली, ये दिखी 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 मछली दिखी, छोटी 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 मस्त। ओए हाय पानी क्या मस्त ठंडा हो रहा है भाई, छोटे आराम से। हाँ पत्थर वो वाले होते हैं चिकने। हम सोच रहे हैं भाई अपना चूल्हा जो है यहाँ पर बनाए, यहाँ पे बनाए, थोड़ा नदी का व्यू भी आए और अपना चॉपर वगैरह भी सही से आराम से, क्योंकि थोड़ा प्लेन हो जाएगा, चलता रहा यहाँ से नदी, ये व्यू मस्त वाला। छोटे क्या तैयार है मैगी बनाने को? चल फिर आ जा चूल्हा बनाते हैं। छोटे ये कौन सा चूल्हा बना रहा है, ये गिरता भी ये ले पैन। भाई पैन लाए हैं हम, पैन में ऐसे कैसे
आप दिखाइए एक बार पैन रख के दिखाइए, हवा भी तो जानी चाहिए तभी तो बनेगा। देख टिक रहा है ये नीचे उल्टा कर पत्थर वाला, ये निकाल दे पत्थर। अब रखियो पैन एक बार, टिक जाएगा, टिक रहा है ना बस। हो गया हो गया, चलो 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 शुरू कर। चार पैकेट है बिल्कुल आ जाएंगे इसमें तो। चलो भैया नदी का पानी ही ले लिया हमने डायरेक्ट, क्या अलग से भरे, यही करते हैं यूज। चलो राम से राम, चल छोटे। लकड़ी कम पड़ेगी है ना, वो हमारी आग जल गई है बड़ी मुश्किल से। हमारी आग, आग में थोड़ी समस्या हो रही है। ये भूस जल गई है खाली, ये देखो शायद लकड़ी थोड़ी नीचे की वजह से गीली हो गई तो हो नहीं पा रहा है, बड़ी दिक्कत। कुछ करते हैं इसका, चलो और लकड़ी लेकर आता हूँ सूखी कहीं से। वहाँ से निकल रही हूँ और मैंने देखा कि सैंडी की गाड़ी रास्ते में खड़ी है। वो खड़ी क्यों है, क्योंकि वो वहाँ पर है चुपचाप। उसका व्लॉग ख़राब करने में मज़ा आएगा बहुत। तो दोबारा हम उसी रास्ते पर, यहाँ पर धान की कटाई चल रही है, वहाँ पर कुछ बातें चल रही हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा और कुछ गिर गया। शिट, अच्छा मिल गया, अगर ये खो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। वेल सैंडी को पता नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं, तो ये एक उसका मिशन जो है इम्पॉसिबल टाइप हो जाएगा। इस तरफ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, अंदर जाना पड़ेगा। तो हम आ गए हैं, लेकिन मुझे सैंडी क्यों नहीं दिख रहा। अभी हमें थोड़ा सा और वॉक करना पड़ेगा वहाँ तक। गाइस मुझे सैंडी दिख गया, लेकिन मुझे खुद को हाइड करना है कि मुझे वो नहीं दिखा। ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ, बंटी बंटी पहन के, लेकिन वो नहा तो नहीं रहा यहाँ पे। आप देखोगे ध्यान से, वो रहा वो उस पेड़ के पीछे। भैया आप चुपचाप कैमरा रखना, हम बोल गए ब्लॉग नहीं बना रहे। ध्यान से मैम, बस यहीं से डर है। भाई मैगी हो रही है रेडी। छोटे खुशबू कैसी आ रही है? अच्छा। कैसा? अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। खाएगा? तो अभी कड़ी चावल खा गया है, जो ही बात तब भी खाएंगे। और यहाँ नदी के पास कैसा लग रहा है तेरे को? ये मछली पकड़ने का मन कर। अच्छा था, लेकिन हुआ क्या ना, नदी के पास थोड़ा मैंने सोचा नहा भी लूंगा, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे ही खा लूंगा और यहीं पे नहा लूंगा। भाई क्या कर रहा है? यहीं से चप्पल उतार लेते हैं। हाँ। यहीं पर हम चप्पल उतार रहे हैं, अपनी चप्पल उतार दी हमने यहाँ पर, अब हम चलते हैं। ध्यान से ध्यान। ध्यान से ध्यान से। तुम क्या बना रहे हो? मैं तुम्हें बताया कि नहीं तुम मैगी बना रहे हो? भैया आप कितनी अच्छी जगह पर गए थे। हाँ बहुत सुंदर जगह था वो, हम लोग जन्नत में गए थे, जन्नत में। गाइस यहाँ पर मैगी बन रही है और मेरा भाई फिर से बहुत चालू निकला, चुपचाप मैगी बना के खा रहा है। अभी तुमने आग कैसे जलाई यहाँ पर? आग जलाने में क्या, तू नहा भी नहीं यहाँ पर? नहीं नहीं नहाया नहीं यार, होगी हमारी मैगी रेडी। खाओगे अरमान भैया? खाएगी चम्मच का है, चम्मच भी है, सब लेकर आया यार, ये तो बहुत तेज है। ये संतरे का चम्मच में धो के ला। चलो च्युइंगम खाई, च्युइंगम खाई जाए, करीब संतरे खाए जाए। लेकिन यार धूप बहुत तेज़ है, थोड़ी धूप कम होती तो और मज़ा आता। छोटे बैठ जा, कैसा लग रहा है? बैठ जा, यहाँ पर अच्छा लग रहा है, दिल्ली में अच्छा लगता है? यहाँ लग रहा है, यहाँ पानी का आवाज है। क्या पानी का दिक्कत? पानी का दिक्कत है कैसे? वहाँ पर जैसे आजादी हो जाती है। ये बोलना चाहता है कि यहाँ पर अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी का दिक्कत है, क्योंकि पानी भर के लेकर आना पड़ता है। ये
कोई बात नहीं, हमारा अभी वो मोटर काम नहीं कर रही, जैसी करेगी फिर भरना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब तू आएगा अगली बार से हमारे साथ? छोटे को ज़्यादा अच्छा लगा है भाई, तू इतना गंदा बता कर भी नहीं आया, चंट। नदी किनारे कूड़ा मत करो, मैं पन्नी में रखता हूँ मैं। संस्कार ले छोटू भैया, आप भी खाइए, हमारे राजा भैया। हाँ बहुत ही गलत बात है भाई। छोटे तू भी मिला हुआ है सैंडी भाई के साथ इस बार? इस बार छोटे मेरी साइड हो गया। मैगी दे, लगता अच्छी रही है भाई, खिला दे अब सभी को। तूने इतनी कम क्यों बनाई, हम चार लोग हैं। क्या व्यू है ये भैया वाला, व्यू नहीं बोल रही हूँ मैं, पीछे का। भाई मैगी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अब टेस्ट करते हैं, बस धूप चली जाए। ऐसी धूप चली भी गई थी, बादल बादल है, क्या हो गया? वैसे तो चली गई, नमक कम है, नमक लाया नहीं था मैं। छोटे कैसी है? बहुत अच्छा भाई, अच्छी है। पहाड़ों में मैगी का मजा ही कुछ और होता है, मुझे वैसे नहीं पसंद, लेकिन अब मेरे भाई ने इतनी मेहनत करी है तो मुझे खानी पड़ेगी। गाइस हम सब ने अपने अपने पैकेट्स उठा लिए हैं और भी सफाई कर रहे हैं, तो बस यही बात है कि चाहे आप कहीं पर भी हो, बस गंदगी मत फैलाओ, हो सके नहीं आपको करना चाहिए। जितनी भी आप गंदगी आप लेकर चलते हो अपने साथ, उसको उठा के एक पन्नी में रैप करके कूड़ेदान में जाओ, और क्या, क्योंकि यार ये अच्छा नहीं लगता। ठीक इसी तरह जैसे मेरा भाई सैंडी कर रहा है, वो मैगी का पैकेट तो सही है, ये साफ है ना, ये तो अभी घर ले जाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं घर वापस, अभी देखो किसी ने खा के, बहुत ज्यादा धूप है, ये देख ऐसे फेंक रखा है भाई, तो ऐसे उठाने पर आया तो बहुत कर नहीं, लेकिन ये वाले तो उठा दो जो दिख रहे हैं, तो हटा दो। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर को, सारा सामान हमने ले लिया, अब वापस नदी थोड़ी थोड़ी, पानी तो खैर कम है, लेकिन क्या है ना, ये देखो पत्थर। छोटा कह रहा बिहार में से भी बड़ी नदी है। नहीं दीदी पता नहीं, नई दीदी सुना मैंने, इधर से आनी, तो इधर से आ, तो गलत जा रही है, कभी भी नदी में नीचे की साइड को नहीं ऊपर की साइड को चलो। ओके ब्रो, पानी कितना क्लीन है, हाथ ध्यान से, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही स्लिपरी है, तो सारे पत्थर टाइम पे पकड़ा हाथ। ये कह रही है ये क्या है, क्या ये तुम ही ने बोला ना काई है? हाँ ये काई है ना, ये बाप रे, ये धीरे धीरे देखना पत्थरों पे पहुंचती है, तभी स्लिपरी होते हैं जो पत्थर। ये हमारा नॉर्मल रास्ता, ये हमारे लिए अब नॉर्मल आ गया, छोटा ऊपर पहुंच गया, चलो। सो गाइस वहाँ से काम खत्म करके हम इधर आए हैं, और इधर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है। हेलो मूड कद में आऊँ उत में, तो मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ बताने वाली हूँ जो कि मेरी मम्मी से रिलेटेड है। तो यहाँ से मैं निकल रही थी तो उन्होंने बताया कि जब बुबू हैं उन्होंने मेरे भाई छू, ताऊजी का लड़का। नमस्ते नमस्ते, मैं कमाल तुमसी फोटो खींच, ओ हो या पोथीली कोसे पोथील मोसे पोथील, ये दे दे ये मैं महल का इसे जली पोथील दे नहीं सब है। हां बहुत के शादी है ये क्या? हां कमाल कमसी को कमसी, मैं कमाल कमसी है ये का भाईजा, कैसा क्या सराव उसी सराज दिल्ली छू, सराज वैसे बुलंद शहर छू, हो बुलंद शहर छू कमसी, वो कमाल कमसी मेल वजा मलक मग खबर छू कमसी, मैं खाना जाने गए माल दगड़ा बड़ी है। हां कमला कौन छू? मैं चेली। तो मैं बता दूं कि जो बूबू है उन्होंने मम्मी को पांचवी तक पढ़ाया है ना, फिफ्थ क्लास में, तो वो टीचर, ये टीचर हुआ करते थे बूबू, उन्होंने फिफ्थ क्लास तक पढ़ाया ना आपने मम्मी को, मम्मी कैसी थी पढ़ने में? अब क्या याद रहता है इतना? सही बात सही बात, ठीक बोला अच्छा। तो जो हमारे बुबू हैं उनकी उम्र है पुराने जो थे ना बेटा, तो हम कह रहे हैं कुछ पुरानी पुरानी बातें बताओ। सुन पुराने जो थे वो सब मर गए, सब बीत गए, सब गुजर गए क्योंकि एक आदमी है हमारे यहाँ पहाड़ बोला पहाड़ी में जी पहाड़ी में एक आदमी जो हमारे यहाँ कुछ फ्लोरिया तारा दत्त,
यहाँ पर रहते हैं वो मेरे से बड़े हैं। वहाँ ताऊ जी ऊपर जीत ले रहे वो तीन सारे ताऊ जी से वो राणा ऊपर वो सब इन्हों को ठोक एक तुम्हारा देवी दत्त देवी सिंह वो और हम सहपाठी थे एक साथ। मैं जानू मैं जानू जाने तो परिवार है तो परिवार जा रहा ये भी जानता है तो डांस करके दिखा दो पहाड़ी लग रहे पहाड़ी लोग डांस बहुत अच्छा करते हैं। यो बचपन बटी ये बचपन बटी उन्हें आम हुए हैं आम जैसे हम हाँ अम्मा बोलती थी मम्मी बोलती हैं पहाड़ी पापा बोलते थे। तो हम यहाँ से निकल गए हैं बहुत अच्छा लगा दोनों से मिलके बाय 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 दोनों बहुत अच्छे हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं बाय बाय। चलो अब चलते हैं हम नानी के घर मम्मी को लेट हो जाएगा हम होकर आ रहे सामान कुछ देना उनको देकर आ रहे हाँ गुजिया बनाई थी घर पर तो मामी और कली को बहुत पसंद है तो वही देने जा रहे हैं हम उधर कल तो सामान ही छूट गया तो अब हम नानी के घर जा रहे हैं। नानी का घर जैसे मैंने बताया था गाड़ी से 20 मिनट लगता है और अगर आप पैदल जाओगे तो 2 से 3 घंटा लग जाता है तो क्योंकि पूरा पहाड़ के ऊपर है और 2 से 3 घंटा उनको लगता है जो कि पहाड़ चढ़ते हैं जो दिल्ली से आते हैं उनको 5 भी घंटे लग जाते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट जिन्होंने सड़क का उद्घाटन किया वहाँ मैं पुन को कॉल कर रही हूँ गुजर ब्राउनी को देखने के लिए। दूध लेके हम लोग आ गए हाँ हाँ ऐसी नदी में मैंने कम काम करा जो यहाँ पर भी ले आई तो आराम से यार देखो भाई रखते ही ऐसे है थोड़े क्या कर सकते हैं गिरना लाजमी है सबका मुर्गी जब पुदीना और रखा भाई ये खासियत है देखो पुदीना देख रहा अच्छा कल भैया से मैंने तुड़वा दिया कल भैया से तुड़वा दिया मैंने कहा आप तोड़ के रखो मैं हम चटनी बनाएंगे वो तोड़ के रखवाया नहीं तो चटनी नहीं बनी भैया बरी दोपहर में तोड़ रहे थोड़ा चल के हालत खराब हो गई गाइस। नानी नानी मेरी कभी नहीं सुनती वो इतनी देर होगी उन्हें आवाज मारते हो कोई है भी तेरी गंदी आदत पता क्या किसी को बताएगी नहीं मैं आ रही हूँ सीधा आ जाएगी भाई लोगों के घास काटने का टाइम हो रहा है इस समय बहुत चीजें काम हो रही है भाई मुझे तो ये लग रहा कोई है भी नहीं और कोई हो ना हो नानी जरूर मिलेंगी तुझे। तो नानी हो क्यों नहीं कह रही तब से अरे हम आ गए हमारे 4 डब्बे लाए हैं भर दो हम जाए ले भाई मेरे को ले नानी भी नहीं है आ जा सब जगह कुंडी लग रखी है ये देखो भाई ये ऊपर वाली पुरानी वाली कुंडी तो आपने देखी होगी ये वाली होती है ऐसा खुलती है अरे लग जा भाई गुस्सा हो गया ये वाली कुंडी है ये सीढ़ियाँ तो ऐसी ये लो नानी आएंगी आएंगी ले लॉक है भैया आगे वाला देखना वो खुला ही नहीं खुला खुला है कोई है आवाज़ देना अरे खरीक पे तो नहीं है वहाँ में नहीं है कोई भी लो भैया वहाँ भी कोई नहीं है हाँ भाई आवाज आई किसी चूड़ियों की तेरी है बे मैं घर पर कोई नहीं है तब तक मैं आपको कुछ बता देती हूँ ये है गेहूँ कूटने वाला जो मैं कहता हूँ नानी का नाना का है और यहाँ पर पहले 100 से भी ज्यादा बकरियाँ मिलती 100 से ज्यादा बकरियाँ चाहिए हाँ मुझे पता है मुझे तो चाची ने बताया बकरियाँ रहती थी ये तुम्हारा गोट होगा ये खुलता कैसे है सही खोल रही थोड़ा ऊपर को करो उसे अरे खुलता तो कुंडी है वो अरे मैं नहीं तो खुली थी जी यहाँ पर गोट है किचन कर लिया है लेकिन यहाँ पर पहले के टाइम पे ओपन था और पूरी बकरियाँ अरे जीबू मम्मी कछुप है कछुप है क्या कर रहा है आ रही नहीं आ रही पता नहीं तो तूने बोला नहीं बोला फोन कर लो फोन नहीं लाए ना फोन ये मामी का लड़का है और हाँ इसने मैं नीचे देख लिया खेल तूने देख लिया था मैं हाँ आया नहीं एक बार भी तो भाई घी तो हमारे लिए आ गया लेकिन और भी सामान था लेकिन इस बच्चे को पता नहीं क्या क्या था अब नीचे तक तो छुड़वा दे भाई मैं तो चली नहीं पाऊंगी भर के घी दिया और कुछ नहीं रखा मामी ने मम्मी को पता होगा मम्मी कहाँ थी बुलाऊं
नहीं जाने दे यार, हम लोग जा रहे हैं, बहुत लेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, बाघ वैसे ही बोल रहा है, बाघों का बड़ा खतरा है यहाँ पे, इसलिए भैया भाग जाओ, ये तो बहुत डर लगता है मुझे शेर से, तो मुझे मरना नहीं है। और मेरा मेरे को ऐसे ही लगता है कि मेरी कभी भी मृत्यु होती है तो वो बाघों से होगी। कितनी फनी हूँ मैं। एनीवेज अब हम लोग जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, जितना हमें ऊपर चढ़ने में टाइम लगता है उतना ही नीचे उतरने में, क्योंकि बहुत ही सावधानी के साथ हमें उतरना पड़ता है, ठीक है, वरना यहाँ से पैर स्लिप और हम भी स्लिप। अरे वो कहाँ है रॉकी? नीचे रॉकी भी नीचे, रॉकी जहाँ कली होगी वहाँ रॉकी होगा भाई। तो कच्छू वो हमारे साथ खेल रहा है, तेरे दगड़। चलो यार, सैंडी अपना गया है थोड़ा करने, हम लोग नीचे उतर रहे हैं, जैसे देखेगा कि हम है ही नहीं, सरप्राइज रह जाएगा, क्या हो गया क्या हो गया, कहाँ चले गए। यहाँ पर दोबारा से छत बन रही है और यहीं पर खड़े होके आप एक बड़ी नज़ारा देखो, पता नहीं दिख रहा भी है या नहीं, ये ब्लैंकेट को अवॉइड करके सब कुछ देखो कितना सुंदर है, प्रकृति वाली सुंदरता का तो कुछ तोड़ ही नहीं। यह गाय का छोटा सा बछड़ा, देखो कितना छोटा है यह गाय, इनका छोटा सा बछड़ा, बहुत कितना सुंदर है, थोड़ी देर सूंघेगा, सूंघ रहा था कि पहचान जाए, उसकी मम्मी को गुस्सा आ रहा है, वो भी शायद ब्याने वाली है। ये यहाँ इसलिए लगाए जाते हैं, थोड़ी सी आग जलाई जाती है ताकि मच्छर ना लगे इनको। बताओ यार इतनी देर हो गई कोई तो आया नहीं है। नीतू, अबे नीतू कहाँ गई? नीतू नीतू, अबे यहाँ तो कुंडी लगी है, छोड़ के चली गई मुझे। नीतो भाई यार ये तो बहुत गलत बात है इनकी यार, छोड़ के चले जाते हैं ऐसे। अबे यार नीचे चली गई ये तो। हाँ जी ना ना आते हम लोग आ गए ऊपर से नीचे और सैंडी का अभी तक कोई अता पता नहीं है। अंकल उस लड़के को आवाज देना, उस लड़के को आवाज। मैंने अंकल का बोला मैं वॉशरूम गया, जबकि वॉशरूम नहीं गया, सुट्टा मार नहीं गया। चलो हम चल रहे हैं, तू ले ले यहाँ से, कैसे लटकते दिखा, लटकते कैसे ऐसे? हाँ ऊपर जाके दिखा, पूरा पूरा ऊपर कैसे? राजा भैया आप लटक दिखाओ, चले जाऊंगा कहाँ वहाँ से। आ गया वॉशरूम से क्या कमसी? हाँ दे अंकल, कह रहे वही तो कहा तभी तो आया जल्दी, तो शर्मा गया यार। बैठ गए हम गाड़ी में और घी हमारे बिल्कुल करीब, पानी पिला दे। ये पानी उस दिन का है क्या जिस दिन हम लोग आए थे? रखे हैं बहुत पुराना पानी है, फेंक दे। तो कैमरे का ये निकल गया भाई, भाई इसको लगा। तो जैसे हम घर पहुंचे हमने देखा एक सरप्राइज, और आपको दिखाता हूँ सरप्राइज क्या है। वो देखो घर के बाहर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये ले जा ले, ये चार्जिंग पे लगा ले। मैंने फोन आया मिलने, ये जी ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। अरे जो हमने कल हेलो हेलो बोलो हेलो पार गांव से है। अरे भटकोट से आए हो? हेलो हेलो अच्छा क्या नाम है भाई सबका, क्या नाम है? लक्की। तेरा नाम भाई? कार्तिक। कार्तिक का नाम? तनीश। आयुष। सलोनी। योगिता। तेरा क्या? दोरी? सॉरी 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 नाम? सौरभ। अच्छा सौरभ, अच्छा सॉरी नाम है उसका घर का। क्या नाम है? हैं? ध्रुव। तारा। तुम्हारे रिजल्ट आ गए? नहीं अभी, तुम्हारे बोर्ड होंगे और तुम लोग आ गए, तुम्हारे बोर्ड थोड़ी होंगे। क्या पास कितने मार्क्स है? ओ भाई ताली बजाओ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? 75% किसके कितने में? चौमिन। चलो भाई चलो, बाकी बच्चे कहाँ रह गए? सॉरी कहाँ है भाई? सॉरी कहाँ? सॉरी आ गए। सॉरी क्या खाना है? सॉरी सॉरी हाँ क्या खाना? टॉमिन पिज्जा। सुन तो सही, अरे धरा जल्दी बता, पहले क्या पिज्जा खाना है? पिज्जा खाना है पहले बोल। पिज्जा पिज्जा
देखो क्या बोल रही है, क्या दोबारा बोलना? हमारी कर भाई, हमारी बिटिया मेरे को नाती भी चाहिए। अब नाती मेरे को नाते की प्यास है, बहुत प्यास है। आपका नाती तो है लेकिन। अरे आपने नाते तो हो ही गए मेरे, ठीक है अब तो बड़े हो गए। और ये बच्चे कौन है? ये बच्चे मिलने आए हैं बहुत दूर दूर से, अभी तुम्हें चौनन खिलाने लेके जा रहे हैं। हेलो बोलो। हेलो। अच्छा अच्छा, अभी हमारी कोई ननद आई थी, वो बोल रही थी, मेरी लड़की भी बोल रही थी, मेरे को उसको मिलने का बहुत शौक है। वो दिल्ली चली गई, मैं तो आती हूँ। हमारे गांव की लड़की यहाँ तक, हाँ पहाड़ की लड़की है, शक्ल की है। वो बोलती है मेरे को बहुत खुशी हुई। अच्छा, हाँ हमारी बहन जो यहाँ पर खड़ी है। अच्छा, चलो अच्छा, मुझे सुन के खुशी हुई। हाँ फिर हम पहाड़ को, हम उत्तराखंड को और आगे लेके जाएंगे। हाँ, आगे लेके जाएंगे, ठीक है। हाँ, वैसे भी हमारा उत्तराखंड बहुत आगे है। हाँ? लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर एक जगह, हर एक कंट्री में उत्तराखंड का नाम हो। हाँ, नाम होना चाहिए, ठीक है। हमारा उत्तराखंड है ही इतना प्यारा। लड़की तो हुई फिर यहाँ पहाड़ की। हम आ गए हैं खाने के लिए, बताओ क्या क्या किसको खाना है? यहाँ पर ज्यादा कुछ चीजें है नहीं तो मैं तुमसे इतना पूछ नहीं सकती हूँ। ओके बेटा, पार्टी गाना गाना। लाल बोतल शराब तो गा दे, चल वो गा दे, लाल बोतल शराब। लाल बोतल शराब, डांस भी कर। अरे यार गाना आता, थोड़ा उसी के साथ डांस कर दे। चल तू गाना ही गा दे, चल गाना, तू गाना ही गा दे, यही लाल बोतल शराब गा दे। थोड़ी गा दे तो यार, इधर देख के। अरे तेरी सित्ती बित्ती गुल हो गए, बहुत अच्छा गाया यार। क्या बन रही है भाई हमारी? चौमिन बन रही है, बना रहे कन्नू भाई। बच्चों के लिए बन रही है, ज्यादा तीखी नहीं करनी। क्या हुआ? तूने ऐसे उसे दो दाने पीनट दिए ना? ये सॉरी को सब बहुत छेड़ते हैं। चलो भाई बच्चों के लिए चौमिन हो गई रेडी। ये लो भाई, इन दोनों के लिए पैक कराना है मम्मी के लिए। अच्छा मम्मी के लिए, बेटा पैक और बन जाएगी, पहले खा। हेलो भाई, ले रे, जिसकी एक चम्मच रह गई थी भाई ले लो, और ले भाई खाओ, पकड़ पकड़, शर्मा रहा यार। हाँ भाई कैसी है बताओ बेटा, बोलो कुछ, अच्छी नहीं लगी? अच्छी। तुम दोनों इनकी बहन हो? इनकी बहन। अच्छा तभी ये तुम्हारी बात मान रहे हैं। सब बच्चा पार्टी ने खा लिया, तुमने भी खा लिया ना बेटा? कैसी लगी? अच्छी थी? थोड़ी सी मैं भी खाना चाहूंगी, ये बहुत ज्यादा हो गई है, तो सैंडी तुझे ही खानी पड़ेगी। तो गाइस देहरादून से हमारी दीदी आई है, हेलो बोलो सबको। हाय। और ये कह रही है कि देहरादून में सब हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, है ना? हम बहुत फेमस है देहरादून, बहुत फेमस है लेकिन इनकी मम्मी को हम बहुत पहले से जानते हैं। आज बुलाना तो ये जा रहे थे कार से तो उनको पता चला, लेकिन बहुत स्वीट है दीदी, बहुत ज्यादा। तो हम देहरादून जब भी आएंगे आपसे जरूर मिलेंगे। पक्का प्लीज आइएगा। हेलो बोलो। हेलो बोलो। हेलो बोलो। हेलो। ये देखो भाई, इन दोनों ने ही बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे घर से मोहिनी नाम की जो लेडीज है बहुत स्ट्रगल कर रही। जब ये 4 साल की थी तो उनके आर्मी में थे हस्बैंड दादाजी, तो तुम्हें पता भी नहीं चला, मतलब सिर्फ कपड़े आए। आर्मी वालों का यही होता है। अब मैं बोलूंगी तो इमोशनल हो जाएगी, सब मैं नहीं बोलना चाहती कुछ भी, लेकिन सच में यार दोनों में बहुत स्ट्रगल। आपकी फोटो नहीं हो रही, वीडियो बन रही है। अच्छा खड़े हो आप, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी हैं आप भी, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। तो गाइस अब ब्लॉग को करते यहीं पर खत्म। काफी सारे लोगों से मिली, बहुत अच्छा लगा मिलकर। अब मुझे नींद आ रही है क्योंकि 7:30 बज चुके हैं, और यहाँ पर 7:30 का मतलब है सारे घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सब सोने लग जाते हैं। तो हम लोग पैकिंग भी करेंगे 8 बजे तक, मैं सोऊंगी आधे घंटे में। पैकिंग करनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल सुबह हम लोग निकल गए 5 बजे, और हम लोग एक स्पेशल घर भी जाने वाले, एक स्पेशल इंसान से मिलने भी जाने वाले हैं, वो आपको कल पता चलेगा। बाकी मेरी मामी ने काफी सारा सामान भिजवा दिया है। किसके हाथ बताओ? ये आपने पहले देखा था इस लड़के को? कहाँ दिखा था तू बता दे। रोड पे बैठा करा था ये, तो मामी ने इसको भिजवाया कि जा सामान लेकर आ, क्योंकि मेरी मामी ना बहुत सारी चीजें बनाती है, उनको पसंद है, और हमसे तो मेरी मामी को बहुत ही प्यार है। हां बता, इसलिए तो ब्लॉग का करते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और मैं भेजूंगा, और अपना इसी तरह प्यार देते रहना। आई लव यू सो मच, बाय।